साथियों, यदि आप बीए कर रहे हैं या बीए करना चाहते हैं या बीए कर चुके हैं तो 10 मिनट का समय इस वीडियो को अवश्य दीजिएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बीए के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं इसको 10 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो 10 करियर ऑप्शन है टॉप 10, उनमें आपको मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, तो बीए को कुछ लोग या यूं कहें जो अनपढ़ लोग हैं वो इसको बहुत छोटा कोर्स समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो बीए वाले जो बच्चे होते हैं वो डीएम एसडीएम तक बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं। तो और अब से पहले अगर रेशियो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रेशियो होता था वो बीए वाले बच्चों का ही होता था। तो साथ ही जो बीए वाले बच्चे हैं अपने को कम ना समझें। तो जो अब बीए वाले बच्चे टॉप 10 करियर ऑप्शंस हैं वो किन किन फील्ड में जा सकते हैं, तो वो मैं उनको आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथ ही सबसे पहले मैंने इसमें 10वें नंबर पे जो रखा है वो रखा है डिप्लोमा कोर्सेज, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप डिप्लोमा करिए और उस फील्ड में आप अपना करियर बनाइए। अब डिप्लोमा कोर्सेज में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको भी बताया जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप डिप्लोमा कोर्स करके बीए के बाद में 1 साल या 2 साल का जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम होता है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि आपका फाइन आर्ट हो गया, आपका डिजिटल में इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते हैं, यदि आपका आर्ट एंड पेंटिंग में है तो उसमें जा सकते हैं, या आपका जो ड्रॉइंग में है तो उसमें आप जा सकते हैं, डांसिंग में है उसमें जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसमें आप जा सकते हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जा सकते हैं बीए के बाद में। साथियों, इससे आगे जो 9वें नंबर पर रखा है वो रखा है हमने डिजिटल मार्केटिंग को। आप जैसे कि देख रहे हैं आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो आने वाला टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का रह गया है। तो साथियों, यदि आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है तो आप 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम करने के बाद अपना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, बहुत सारा जो करियर ऑप्शंस है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। 8वें नंबर पर जो हमने रखा है वो रखा है मास कम्युनिकेशन या हमारा जर्नलिज्म। तो यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको एंकरिंग करना अच्छा लगता है, तो आप मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं 2 साल का या 1 साल का, उसके बाद में आप मीडिया लाइन में जा सकते हैं। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको एंकरिंग करना अच्छा लगता है, आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, अलग अलग फील्ड होती है, तो आप मास कम्युनिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है 7वें नंबर पर जो हमने रखा है वो रखा है बीपीएड को, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे आपका बीएड होता है इसी तरीके से होता है बीपीएड। बीपीएड का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आप जो इसमें बीपीएड करने के बाद में गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, जो फिजिकल टीचर होते हैं, आपका जो स्पोर्ट्स वाले टीचर होते हैं उसके लिए वैकेंसी निकलती है, पीटीआई जिनको हम बोलते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के भी अगर हम कॉलेज की बात करें जो हमारे इंटर कॉलेज होते हैं तो उनमें भी पीटीआई की आवश्यकता होती है। तो आपका यदि फिजिकल में इंटरेस्ट है, आप गेम वगैरह खेलते हैं, तो आप बीपीएड कर सकते हैं और बीपीएड करने के बाद में अपना करियर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बना सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। स्कूल में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, जितने भी स्कूल्स होते हैं 12th स्टैंडर्ड के, तो उन सभी में जो एक टीचर, कम से कम एक टीचर उसमें बीपीएड वाला चाहिए होता है। इससे आगे मैंने 6वें नंबर पर रखा है बीटीसी या आप डीएलएड कर सकते हैं, यानी कि बीटीसी करने के बाद में आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो बीटीसी भी आप कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। कुछ जो स्टेट है उसमें जो डीएलएड है वो आप डायरेक्ट 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, जो डीएलएड होता है वो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता है। तो बीए के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप ग्रेजुएट होने अनिवार्य है। इससे आगे जो 5th नंबर पर हमने रखा है वो रखा है एमबीए या पीजीडीएम। ये दोनों कोर्स अलग अलग हैं, लेकिन मैंने इसको एक ही कैटेगरी में रखा है, या तो आप एमबीए कर सकते हैं या आप पीजीडीएम कर सकते हैं। तो पहले हम एमबीए पे बात करते हैं। तो एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अच्छी कंपनी में जाना है, एचआर बनना है, मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, अलग अलग ब्रांचेस में इसमें एमबीए कराया जाता है, या आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको बैंक में मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आपको एमबीए होना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बीए के बाद में आप अपना एमबीए कर सकते हैं।
हैं। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर की भी काफी अच्छी अच्छी जॉब होती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में आप जा सकते हैं। अब तो आने वाला जो टाइम है, वैसे भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनको भी प्राइवेट ही कर दिया गया है, तो प्राइवेट में ऐसा नहीं है, काफी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, काफी अच्छी सैलरी होती है। तो एमबीए करने के बाद में आप अच्छे खासे पैकेज पर जा सकते हैं। तो एमबीए और पीजीडीएम दोनों अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अब पीजीडीएम की मैं बात करूं तो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो या आप पीजीडीएम भी कर सकते हैं। पीजीडीएम में भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तो पीजीडीएम करने के बाद भी काफी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं। तो जो पीजीडीएम और एमबीए में डिफरेंस होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पर, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। इससे आगे मैंने फोर्थ नंबर पर रखा है एलएलबी को, यानी कि बैचलर ऑफ लॉ। साथियों, यदि आपको इंटरेस्ट है कानूनी पढ़ाई में, आपको वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी के बाद में करियर ऑप्शंस क्या है, करियर स्कोप क्या है, एलएलबी करने के बाद में आप गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं, अपना चैम्बर खोल सकते हैं, अपना एडवोकेट अपने स्वयं के एडवोकेट बन सकते हैं, कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें एडवाइजर बन सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका अच्छे से पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पीसीएस जे का एग्जाम देने के बाद में एलएलबी आप करेंगे। एलएलबी के साथ साथ अपनी पढ़ाई कीजिए पीसीएस जे के लिए। यदि आपका पीसीएस जे क्लियर हो जाता है तो आप न्यायाधीश बन जाते हैं, यानी कि आप जज बन जाते हैं, जज तक आप जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या होगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी होगी। आप बीए कीजिए, बीए के साथ साथ आप अपना बीए जैसे कंप्लीट हो तो एलएलबी कीजिए, और एलएलबी के साथ साथ अपनी तैयारी कीजिए पीसीएस जे की। तो यदि आपका पीसीएस जे एग्जाम निकल जाता है तो आप जज तक जा सकते हैं। तो साथियों, ऐसा है जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत टफ लगता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे जैसे हमारी जो चीजें हैं वो आसान होती जाती हैं। तो साथियों, यदि आप कोई चीज ठान लेते हैं तो वो चीज आप कर सकते हैं। साथियों, मैंने थर्ड पोजीशन पे जो रखा है वो रखा है गवर्नमेंट जॉब को। तो साथियों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले मैं उसको दूर कर देता हूँ गवर्नमेंट जॉब को लेकर। सबसे पहले ये होता है बच्चों के अंदर कि सर हम गवर्नमेंट जॉब तो हम 12th के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, हम ग्रेजुएशन क्यों करें। तो साथियों, याद रखिएगा जितने भी 12th के बाद में फॉर्म आते हैं तो उनमें जो पोस्ट होती है वो होती है कांस्टेबल लेवल तक की पोस्ट होती है। यदि आपको ऑफिसर रैंक की पोस्ट पे जाना है, उसको फॉर्म भरना है, तो उसके लिए कोई भी ऑफिसर रैंक का फॉर्म 10th के बेस पे या 12th के बेस पे नहीं होता है। उसके लिए जो फॉर्म आता है वो आता है ग्रेजुएट के लिए, तो वही फॉर्म भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन की हुई हो। तो यदि आपको छोटे लेवल की पोस्ट चाहिए होती है तो वो आप 12th लेवल से भी भर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आगे प्रमोशन चाहिए या अच्छे लेवल की गवर्नमेंट में जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट में यदि टेक्निकल वैकेंसी निकलती है जो अलग से टेक्निकल हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। यदि हम टेक्निकल को छोड़ दें, बाकी सभी में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि आपने बीए किया हुआ है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैक्सिमम वैकेंसीज में जो भी ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं वो सभी एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम से लेके और आपके जो आईएएस के एग्जाम होते हैं वहां तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपने बीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। और यदि आपने बीए किया हुआ है और आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको वैसे भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि बीए में हमने ज्यादातर सब्जेक्ट वही पढ़े हुए होते हैं जो वहां पर आते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी वैकेंसीज, अलग अलग वैकेंसीज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, एसएससी जो है बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालता है, सीजीएल की हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो बहुत सारी वैकेंसी है जो हमारे निकालता है। इसके साथ साथ आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंक के फॉर्म निकलते हैं पीओ के इसके, तो उसमें आप जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग होती हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप ऑफिसर रैंक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे आगे मैंने दूसरे नंबर पर जो रखा है वो रखा है बीएड को। साथियों, बीएड आप कहेंगे सर आपने दूसरे नंबर पर इसको बीएड को क्यों रखा है, तो साथियों यदि आपका संकल्प दृढ़ निश्चय आप किसी चीज का कर लेते हैं तो उसमें आप करियर बना सकते हैं। तो बीएड को मैंने इसलिए रखा है कि यदि आप बीए करने के बाद में अपना बीएड कर लेते हैं अच्छे से, और बीएड करने के बाद जो ये एग्जाम होते हैं सीटेट और अपने स्टेट लेवल के, जैसे यूपी टेट है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो एग्जाम कराए जाते हैं, तो उनको पास करने के बाद में आप टीचर बन सकते हैं। और आज की डेट में मेरा मानना यह है कि सबसे बेस्ट यदि गवर्नमेंट जॉब है तो वो है टीचिंग की, क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम होता है, सबसे ज्यादा छुट्टी होती है, सैलरी पैकेज सबसे अच्छा होता है,
तो इसमें और सबसे पहली इस बात जो सबसे बड़ी बात है, एक रेस्पेक्टेड जॉब है, यानी कि इसका सभी लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि टीचर से बढ़कर कोई नहीं होता। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से करें, यदि आपने बीए किया हुआ है उसके बाद में बीएड करें और अच्छे से करें, और उसके बाद में जो ये एग्जाम मैंने आपको बताए हैं इनकी तैयारी कीजिए, और उसके बाद में आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया ऑप्शन जो होता है वो आपका टीचिंग का ये है। अब बारी आती है हमारी नंबर वन पोजीशन की। तो अब हमने नंबर वन पोजीशन पर किस कोर्स को रखा है? तो साथियों आप कहेंगे कि सर आपने इसको नंबर वन पोजीशन पे क्यों रखा है, इससे पहले तो और भी काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज आज की डेट में चल रहे हैं। तो नंबर वन पोजीशन पे जो हमने रखा है वो रखा है एमए को, आप एमए करिए। अब आप कहेंगे सर ये क्यों रखा है, तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। साथियों यदि आपका एक संकल्प है कि आपको कुछ करना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बीए के बाद में अपना एमए कीजिए, एमए अच्छे से कीजिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप बीए में लीजिए और वही सब्जेक्ट आप एमए में लीजिए, और उसको करने के बाद में आप अपना नेट का एग्जाम दीजिए, नेट जेआरएफ का एग्जाम दीजिए, और उसके बाद में आप पीएचडी कीजिए। यदि आप अच्छे से नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे यूजीसी की तरफ से, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से पर मंथ आपका ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है, जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। यानी कि आप पीएचडी करेंगे तो आपको पीएचडी के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात, आप पीएचडी कर लेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, आप डॉक्टरेट हो जाएंगे। तीसरी बात, जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, नेट के साथ कर लेते हैं, जेआरएफ के थ्रू आप पीएचडी कर लेते हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर की जितने भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो आपको जॉब का ऑफर देंगे, अच्छी खासी सैलरी पैकेज होता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट में टीचर की वैकेंसी निकलती है तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पीएचडी वाले बंदे को दी जाती है, जिन्होंने भी पीएचडी अपना नेट या जेआरएफ के थ्रू की हुई है। तो साथियों आप गवर्नमेंट में आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एमए को फर्स्ट पोजिशन पे रखा। देखिए हमें हमारी शुरुआत जो होनी है वो वहीं से होनी है, तो इसलिए मैंने जो एमए को रखा है, पीएचडी तक अगर हमें जाना है तो एमए करना होगा। हम एमबीए के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने हमने बीए किया है और बीए हमारे जो सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम एमए करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, याद रखिएगा पीएचडी आप उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं जो सब्जेक्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। तो यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करनी है पहले से ही मन बना लीजिएगा, उसी सब्जेक्ट को अपना एमए में लेना है। तो साथियों मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।